विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नारी निकेतन फाउंडेशन के सदर वो लेडी दबंग कहलाए जाने वाले हार्ड वर्किंग सोशल वर्कर मोहतरमा सफिया माही, जो के मजलूमों के लिए एक मसीहा वो फरिश्ते से बिल्कुल कम नहीं। सफिया माही, जिन्हें किसी भी जुल्म की या फिर किसी भी हादसे की इतला मिलती है, वो दिन हो या रात, धूप हो या छांव, अपनी टीम के हमरा बर वक्त मौके पर पहुंचकर जरूरतमंदों को बेहतरीन तरीके से इमदाद फराहम करते हैं। फिर एक मरतबा सफिया माही ने एक लड़की को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक पिछले 2 दिनों से एक 12 साल लड़की, जो कि नामपल्ली दरगाह के पास में अकेली घूम फिर रही थी, वहां के चंद इंसानी हमदर्दी का बेहतरीन जज्बा रखने वाले लोगों ने देखा कि लड़की अकेली घूम रही है। फौरी तौर पर मुकामी लोगों ने लड़की को नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इतला मिलने के बाद सफिया माही ने अपनी टीम के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के इजाज़त नामे के साथ लड़की को एक महफूज शेल्टर होम में मुंतकिल किया। और फिर एशियन टीवी न्यूज़ से खसूसी खिताब करते हुए सफिया माही ने तमाम सरपरस्तों से दर्दमंदाना गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रवैया अपनाएं, अपने बच्चों की जिद और गुस्से को प्यार से हल करें, क्योंकि एक जानिब वो माँ बाप ही होते हैं जो कि अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करते हुए इन्हें इस चीज़ का आदि बना देते हैं, जिसके चलते बच्चे हर तरह की जिद को पूरी करने के लिए और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए कभी कभार माँ बाप की नाफरमानी भी कर बैठते हैं। ऐसे वक्त में समझदारी से काम लें और बच्चों के साथ नरमी का मामला करते हुए इन्हें पुरसुकून तरीके से समझाने की भरपूर तरीके से कोशिश करें। ऐसा ना हो कि गुस्से के आलम में लिया गया आपका एक कदम आपके बच्चों को किसी गलत हाथों में या फिर किसी गलत सोहबत में ना डाल दे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मुज़म्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। हम लोग को आज नामपल्ली PA से फ़ोन आया था, एक 12 साल की बच्ची जो 2 दिन से नामपल्ली दरगाह के पास यहाँ वहाँ भटक रही थी, वहाँ के कुछ मुकामी लोग ये बच्ची को लेके आके नामपल्ली PS हैंड ओवर करे। वहाँ के SHO सर और वो PS की टीम की नॉलेज में रखते हुए CWC के साथ मिलके ये बच्ची को हम लोग शेल्टर होम पहुँचाए। जो भी पेरेंट्स हमको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों की आप लोग हिफाजत करिए, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए, क्योंकि आजकल का जनरेशन आप लोग को मालूम है, मोहब्बत अलग, बच्चे नफरत अलग, बच्चों इन लोग का जहन अलग बने हुआ है। आप लोग की थोड़ी सी जल्दबाजी आपके बच्चों को गलत हाथों तक पहुंचा सकती, इसलिए जो भी हमको देख रहे हैं वो पेरेंट्स से गुजारिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों की आप लोग हिफाजत करिए। वो लोग को अगर आप लोग को डांटना भी है तो थोड़ा फ्रेंडली होके और नरमी से समझाइए, वो लोग समझ जाएंगे। आपका गुस्सा लोगों को गलत हाथों तक पहुँचा सकता। अल्लाह हाफिज़।